नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार ओपन बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड एक नई अपडेट्स निकल के आई है सामने। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं, आप लोगों का जो सेंटर है दोस्तों, उसमें बिहार ओपन बोर्ड ने थोड़ा सा चेंजेस किया है। तो आप लोग अगर इस सेंटर पे पढ़ते हैं तो दोस्तों आप लोग ये जान आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर चेंज फॉर द फर्स्ट एग्ज़ाम जून 2020, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों का ये जो सेंटर है इसमें थोड़े से कुछ बदलाव हुए हैं, तो आप लोग देखिए। चलिए हम इसको डाउनलोड करके आप लोगों को दिखाते हैं। ये मेरा पहले से ही डाउनलोड होकर के रखा हुआ है दोस्तों। चलिए ये हम थोड़ा हम आप लोगों को दिखाते हैं नोटिफिकेशन। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा बिहार ओपन बोर्ड की तरफ से नया नोटिस जारी किया गया आप लोगों के सेंटर चेंज से रिलेटेड, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, जून 2020 परीक्षा निम्नलिखित अभी परीक्षा कारणों से परिवर्तन किया गया। देख सकते हैं, निम्नलिखित परीक्षा केंद्र में अपरिहार्य कारणों से परीक्षा परिवर्तन किया गया, ठीक है दोस्तों। परीक्षार्थी अब नए परीक्षा केंद्र पर, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए परीक्षार्थी अब नए परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो ये थोड़ी सी दोस्तों इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आप लोगों का सेंटर चेंज हो गया हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपका ये सेंटर पहले पड़ता था, यहाँ पे देखिए पहले जो आपका सेंटर था ये है, लेकिन अभी जो आप लोगों का नया सेंटर चेंज कर दिया गया है ये है। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, अगर आप नवादा में रहते हैं तो पहले ये था, इनका सेंटर ये था, अब जो है पहले वाला, अब ये नया सेंटर है। आप लोगों का अगर ये पहले था तो इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, इस सेंटर में होगा। वैसे आप किशनगंज के रहने वाले हैं तो पहले आपका इसमें था, अब जो है इसमें। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, अगर ये आपका सेंटर पहले दिया गया तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो है नहीं होगा, अब जो यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है दोस्तों। तो अपना नोट कर लीजिए। ये वैसे मैं PDF जो आप लोगों को लिंक में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पटना में देख सकते हैं दोस्तों, पटना पहले यहाँ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग पटना था, लेकिन यहाँ पे दयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय मीठापुर कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग अपना मिला लीजिएगा। तो जैसे कि सहरसा का था पहले, जिला स्कूल सहरसा में था, मनोहर उच्च विद्यालय सहरसा हो गया। इस तरह कटिहार का चेंज हो गया, सारण का चेंज हो गया, और ये भागलपुर का इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं इंटर स्कूल से बोलते। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हैं, अगर आप लोग इस स्कूल में आप लोगों का सेंटर था पहले तो यहाँ नहीं होगा, सेंटर में कुछ चेंजेस हो गए हैं यहाँ पे, इस तरह से आप लोगों के सेंटर। तो चलिए दोस्तों, यही एक नई नोटिफिकेशन थी बोर्ड के द्वारा जारी की गई थी। तो जिनको नहीं पता है तो दोस्तों आप अपना जो है ये ध्यान रखें, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप लोग जो पुराने वाले सेंटर पर जाएँ एग्ज़ाम देने के लिए और फिर बाद में पता चले कि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम नहीं हो, तो आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो वैसे स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम 3 अक्टूबर से स्टार्ट है, तो ये जो है इनके लिए इन्फॉर्मेशन, ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है और आप लोगों को इस पर ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो अपना जो सेंटर दिया गया है नया वाला, उस पर जाइएगा आप लोग एग्ज़ाम लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, और जानकारी पसंद आई हो तो शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचे और उनका जो एग्ज़ाम जो है ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर जरूर करिए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो। तब तक के धन्यवाद।